सबसे पहले रुख बड़ी खबर का। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसिंद जा सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री देव नारायण भगवान की 1011वीं जयंती का आयोजन है। भाजपा में प्राथमिक रूप से तैयारियां शुरू हुई पीएम के दौरे की। कार्यक्रम फाइनल होने के बाद युद्ध स्तर पर भाजपा जुटेगी। भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में इस दौरे को लेकर चर्चा हुई है ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसिंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। श्री देव नारायण भगवान की 1011वीं जयंती का आयोजन है। भाजपा में प्राथमिक रूप से तैयारियां शुरू हुई हैं। और सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ जानकारी है? तैयारियों का दौर शुरू हो गया है प्रधानमंत्री मोदी के आने के चर्चा को लेकर। देखिए मेघा, आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सुबह प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक दोपहर तक चली। सुबह तमाम पदाधिकारी आ गए थे, करीब 12:30-1 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई। और इस बैठक के बाद अब प्रदेश कोर कमेटी की बैठक चल रही है। हालांकि कई विषयों पर चर्चा की गई है। जिन विषयों पर चर्चा की गई है उनमें निधि समर्पण अभियान है, उसके अलावा भाजपा के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन होने हैं, जनाक्रोश यात्राओं खत्म होने के बाद उसको लेकर बातचीत हुई है। प्रदेशव्यापी आंदोलन जो अप्रैल में होना है उसे लेकर चर्चा हुई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है। क्योंकि प्रधानमंत्री इस बार यदि भीलवाड़ा आएंगे तो भीलवाड़ा 2023 का पहला दौरा राजस्थान का होगा, यदि प्रधानमंत्री फाइनल कर देते हैं। देवनारायण भगवान का कार्यक्रम होगा, देवनारायण भगवान के कार्यक्रम के तहत, धार्मिक कार्यक्रम के तहत आएंगे। लेकिन यह जो मैसेज है यह यदि भीलवाड़ा से निकलेगा तो तय मानकर चलिए कि ये झालावाड़ से लेकर धौलपुर, धौलपुर से लेकर करौली और राजस्थान के उन हिस्सों में पहुंचेगा जहां पर भगवान देव नारायण के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर भी है। हालांकि फाइनल अभी ये कार्यक्रम होना है, लेकिन प्राथमिक तौर पर इसे फिलहाल संभावित माना जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जब पुख्ता सूचना आएगी उसके बाद भाजपा पूरी तरह से जुड़ जाएगी। लेकिन प्राथमिक स्तर पर भाजपा ने अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया है। और भीलवाड़ा में आने का मतलब यह है कि भीलवाड़ा का मैसेज पूरे राजस्थान में निकलेगा, आसपास में मेवाड़ तक भी मैसेज जाएगा और मेवाड़ से लेकर जयपुर तक के मैसेज, अजमेर जिले तक मैसेज जाएगा। और यदि इस कार्यक्रम में बड़ी सभा होती है तो तय मानकर चलिए कि एक बड़ी भीड़ देखी जा सकती है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो इसे 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले का एक सियासी मैसेज भी माना जाएगा। मेघा, बिल्कुल। और देखिए ऐश्वर्य, क्योंकि आज जैसा कि आपने बताया भी और 5 बजे का समय था कि कोर कमेटी की बैठक होगी। अब जब कोर कमेटी की बैठक हुई है और अब 2023 जब चुनावी साल शुरू हो गया है तो जाहिर सी बात है और जो चुनाव की रणनीति है उन पर भी चर्चा की होगी। क्या कुछ हाईलाइट रही इस बैठक की, वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही सवाल है मेघा। आज इस बैठक की सर्वप्रथम हाईलाइट जो रही है वो जन आक्रोश यात्रा रही है कि जन आक्रोश यात्राओं में कितना रिस्पांस मिला है, इसे लेकर कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की गई है। जन आक्रोश यात्राओं में अब तक कितनी सभाएं हुई है, किन सभाओं को कितना रिस्पांस मिला है, चौपालें कितनी हुई है, ये तमाम जानकारी प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम कोर कमेटी के मेंबर्स के सामने रखी है। उसके बाद आगामी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। जो रणनीति है उसके तहत तमाम जिलों में फरवरी में बड़े आंदोलन होने हैं और उन बड़े आंदोलनों में जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। लेकिन इन सबको जब कंपाइल करेंगे, जो दिसंबर के महीने में शुरू हुई थी जन आक्रोश यात्राएं, दिसंबर से लेकर फरवरी तक, मार्च तक इस करंट को बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में दौड़ाकर रखना चाहेगी। और इस पूरे करंट को जब जयपुर में एक बड़ा आंदोलन होगा, जयपुर में एक बड़ी सभा होगी, उस सभा के जरिए बड़ी भीड़ जुटाकर एक मैसेज देना चाहेगी। और मैं एक और बड़ी अपडेट दे दूं, बड़ी अपडेट यह है कि जब अप्रैल में जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा राज्य सरकार के खिलाफ, तो ऐसे में आला कमान से बड़े नेताओं का आना भी लगभग तैसा माना जा रहा है। आप उसी के साथ तय मान कर चलिएगा कि यह आगाज 2023 का है। 2023 के आगाज से पहले कई बड़े नेताओं के दौरे भी होंगे। चूंकि कोर कमेटी लंबे समय
से हुई भी नहीं थी, क्योंकि जनाक्रोश यात्राओं में व्यस्तता थी। इससे पहले जब कोर कमेटी हुई थी तो एक संक्षिप्त सी छोटी सी कोर कमेटी की बैठक हुई थी जब जेपी नड्डा आए थे। सामान्य रूप से कोर कमेटी के सदस्य बैठे और बैठने के बाद वो खत्म हो गई थी, लेकिन कई ऐसे विषय थे जिनको लेकर यहां पर चर्चा करना महत्वपूर्ण था। चूंकि अब नव मतदाता अभियान भी चलेगा जो कि 21 जनवरी से शुरू होना है, उसमें नए मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ने को लेकर फोकस किया जाएगा। पन्ना प्रमुखों का कार्यक्रम जो अभी अधूरा है उसे पूरा किया जाएगा। पन्ना प्रमुख अभियान को पूरा इसलिए भी किया जाएगा कि बीजेपी चाहेगी कि समय रहते पन्ना प्रमुख अभियान को पूरा कर लिया जाए, जिससे कि चुनाव में पन्ना प्रमुखों को उनकी जिम्मेदारी देकर काम पर लगाया जाए। जी ठीक है ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये बैठक हुई है और अब इस बैठक से आप समझ सकते हैं कि आगाज जो है हर पार्टी कर रही है, और वही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक से बैठक में जो है चर्चा भी रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो किस तरह की तैयारियां होंगी।